गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे भारत में रोजगार का वितरण। इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि भारत में रोजगार का जो वितरण है 2009-2010। अब देखिए रोजगार के वितरण के अंतर्गत देखिए डायग्राम बनाया गया कि उद्योगिक जो उद्योगीकरण था, उद्योगीकरण के चलते पुराने उत्पादन के तरीके, चाहे किसान द्वारा खेती हो, आदिवासियों की जीवन शैली हो, पारंपरिक कारीगर की व्यवस्था हो, आजीविका धीरे धीरे क्या होने लगी, टूटने लगी। अब देखिए किस प्रकार, अब देखिए रोजगार का प्रतिशत देखिए और इधर सकल घरेलू उत्पाद में विविध क्षेत्रों की हिस्सेदार, यानी 59% जो हिस्सेदारी है वो सेवा की है, 25 रोजगार की है और 60 कृषि की है, एग्रीकल्चर। तो और कृषि कार्य के अंदर रोजगार में कितने लगे हुए हैं देखिए, 53%, 53%, और सेवा में 25%, और उद्योगों में देखिए कितने लगे हुए हैं, 22। तो ऐसी व्यवस्था को देखते हुए कि भारत में काम करने वालों की संख्या तो अधिक है कृषि में, लेकिन आमदनी के क्षेत्र में क्या है, बहुत ही कम है। तो उसको देखते हुए भारत के उद्योगीकरण का जो ढांचा था, तो इस उद्योगीकरण के ढांचे के अंदर देखा गया कि जो व्यवस्थाएं हैं उद्योगीकरण के चलते, पुराने कारीगर, पुरानी परंपराएं, धीरे धीरे आदिवासियों की जीवन शैली, जैसे जैसे इनमें बदलाव होता गया, इनके जंगल जो थे वो छीने जाने लगे, कारीगरों का माल हाथ से बनना जो वो बंद हो गया क्योंकि नई नई मशीनों का प्रयोग करने लगे पूंजीपति, और धीरे धीरे काम की खोज में वो सेवा क्षेत्र के क्षेत्र में जाने लगे। तो इससे ये होता कि जो शिक्षित व्यवस्था थी हमारी, उसके अंतर्गत देखा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में कि 1973 के अंदर, यानी 1973 में भारत में लगभग 73% लोग किस पे थे, कृषि पर आश्रित थे। धीरे धीरे ये कम होते गए, 2000 में 61% हो गए, यानी 61% हो गए, फिर 2010 में उससे कम हो गए, 53% हो गए, यानी 53%। तो इन आंकड़ों के पीछे का जो मुख्य कारण है, किसानों की जो आर्थिक घाटा, आदिवासियों के द्वारा जंगल से बेदखल कर देना, इन व्यवस्था से क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र के साथ जो क्षेत्र था धीरे धीरे कम होता गया और लोग रोजगार की तलाश में अन्य सेवा क्षेत्र में जाने लगे। यानी क्षेत्रफल तो अधिक था लेकिन आमदनी यानी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कम थी। तो अर्थशास्त्री जो थे उनका मानना था कि सेवाओं में उत्पादकता कृषि से कई गुना अधिक है और आर्थिक विकास जो है, अधिकांश आबादी अन्य विकसित देशों की तरह देखती कि वो कृषि को त्याग कर अन्य आजीविका अपनाने लगे। धीरे धीरे खेती कारीगरी जो पारंपरिक पुराने जो काम थे वो करने लगे लोग, शिक्षित और सेवा क्षेत्र में रोजगार पाने में विभिन्न कौशलों से युक्त होते गए। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा से संबंधित यानी शिक्षित जो थे कारीगर थे वे उद्योग क्षेत्र में उनको काम क्या मिला, अन्य की तुलना में अधिक मिलने गया। तो ये विभिन्न प्रकार की जो इस प्रकार की जो गतिविधियां की गई, तो इन गतिविधियों के अंदर देखिए कि उद्योगीकरण किस तरह कृषि को प्रभावित करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उदाहरण भी बताए गए थे आपको, आगे भी आएंगे। और इसके अलावा हम क्लास के अंदर एक औद्योगिक विकास में जो आधुनिक शिक्षा, उसका क्या योगदान रहा, यानी किस तरह लोगों की आवश्यकताएं और शिक्षा द्वारा उन्हें किस प्रकार तैयार किया गया। इसके साथ साथ उद्योगों की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अधिक लोग काम करते हैं, इसके कारणों का पता किस प्रकार लगाएं, ये भी औद्योगिकरण के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। अब आता है देखिए बच्चों कि प्रतिस्पर्धा, तकनीकी विकास और मजदूर। देखिए हमारे औद्योगिक उत्पादन के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें जो पूंजी निवेश के द्वारा कारखाने लगाना, बड़ी बड़ी मशीनें लगाना, दूर दराज से कच्चा माल मंगाना, अधिक संख्या में मजदूरों से काम करवाना, अत्यधिक उत्पादन करना,
और दूर दराज के बाजारों को में बेचकर माल को मुनाफा कमाना आदि ऐसे काम थे। इससे क्या हुआ कि पूंजीपतियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, इसको कह सकते हैं कि कोई मालिक बाकी लोगों से अधिक कीमत पे उत्पादन करता है तो उसे भी कम दाम पर बेचना पड़ेगा और घाटे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई सामान बाजार में कम कीमत पे मिल रहा हो तो कोई अधिक कीमत क्यों देगा। यानी कहने का मतलब कि नई मशीनों, नई तकनीकों से जो हाथ के बने सामान थे उससे वो क्या हुए, तकनीकी से बने हुए सामान, मशीनों से बने हुए सामान वो सस्ते मिलने लगे, तो बड़ी कीमत पे लोग क्यों खरीदेंगे। तो इसलिए नई तकनीक अपनाना, कीमत कम करना या नए तरह के उत्पाद, ये सारी की सारी पूंजीवादी व्यवस्था ने धीरे धीरे क्या कर दिया, मजदूरों और किसानों की जो आर्थिक व्यवस्था थी उस पर प्रभाव पड़ने, उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा। और हर मालिक, अब देखिए कि हर मालिक कम कीमत करने के लगातार प्रयास कर रहा था, लागत कम करने के कई तरीके थे, मशीन या प्रणाली उपयोग करना जिसकी मदद से, यानी ऐसी मशीन पर ना जिसे मदद से कम मजदूरों से अधिक उत्पादन करवाया जाए, यानी फोर्ड के उदाहरण भी हमने देखे थे कि कच्चे माल को कम कीमत पर प्राप्त करना के प्रयास करना। तो आधुनिक औद्योगिक उत्पादन की ये एक पहचान है कि इसमें सतत तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं और उत्पादन प्रणाली क्या है, बदलती रहती है। अब समय के साथ उत्पादन में लगातार पूंजी की मात्रा क्या है, बढ़ती जाती है। मालिक जो मुनाफा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वापस निवेश करना जरूरी हो जाता है ताकि उनका कारोबार बाजार में बना रहे। तो मुनाफे के साथ साथ वही मुनाफे का पैसा वो किस में लगाते हैं, अपने कारोबार में लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इस तरह उनका कारोबार बढ़ता रहता है और पूरे समाज में पूंजी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, क्योंकि वो धनी होते जाते हैं। जितना मुनाफा हुआ वो व्यापार में निवेश कर दिया, उसके बाद हुआ। तो ऐसी व्यवस्था जो कहलाने लगी, जो ये व्यवस्था होती है, ये होती है औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। अब जैसे देखिए कि औद्योगिक पूंजीवाद किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हो कि समय के उत्पादन में लगातार पूंजी की मात्रा बढ़ती है, मालिक को जो मुनाफा होता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो निवेश पे लगा देता है और लगाना भी पड़ता है क्योंकि बाजार में बने रहने के लिए। तो इस तरह क्या होता है, इनको कारोबार बढ़ता रहता है। कारोबार बढ़ने से क्या होता है कि पूरे समाज में पूंजी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और ये व्यवस्था औद्योगिक पूंजीवाद कही जाती है। तो इस तरह पूंजीवाद द्वारा लागत घटाने, अधिक मुनाफा कमाने के प्रयासों का सबसे अधिक असर किस पे पड़ता है, कामगारों पे पड़ता है। उन्हें बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है या अपने ऊपर काम के बोझ बढ़ाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और अक्सर जब पुराने कारखाने बंद हो जाते हैं उनकी जगह नए कारखाने लगते हैं। अब देखिए कि पुराने कारखानों की जगह जो नए कारखाने होते हैं उसमें क्या होता है, तकनीकी में बिल्कुल प्रशिक्षित यानी टेक्नोलॉजी के ज्ञाता जो होते हैं, उनसे प्रशिक्षित जो होते हैं वो कामगार होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मजदूरों को तरह तरह के उपाय अपनाते हैं मजदूर। इसके अंतर्गत जो उपाय अपनाए जाते हैं तो इसमें दो तरीके सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्या, एक तो मजदूरों के लिए ये होता है कि वो संगठन बनाकर, क्या होता है, एक तो ये होता है कि वो संगठन बनाकर सामूहिक रूप से मालिकों से क्या कर ले, समझौता कर ले, ताकि मजदूर के वेतन वे काम धंधे जो हैं वो हालात बेहतर हो, और हालात बेहतर हो और संगठन बनाकर सामूहिक रूप से मालिकों से समझौता कर ले, ताकि मजदूरों के वेतन वे काम की हालात बेहतर, छटनी की परिस्थितियां, मुआवजा आदि मिले, अपने हक के लिए लड़े। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि राज्य पर दबाव बनाना, मालिकों से कर वसूल कर जो मजदूरों के लिए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा जैसी व्यवस्था की जाए। सामाजिक सुरक्षा, उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, आवास हो, बेरोजगारी भत्ता हो, वृद्ध अवस्था आदि पेंशन आदि का प्रबंध हो, ऐसे प्रयास होने चाहिए। तो आप जानते हो कि ये दो तरह की स्थितियां हैं। अब जो ये दूसरा प्रयास है ये किसमें आता है, ये ऐसे प्रयास से क्या होता है, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है हमारी, वो मजबूत होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हम कह सकते हैं
ये विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं मशीनों के माध्यम से जो चलाया जाता है, काम किया जाता है मशीनों के माध्यम से, इन मशीनों के माध्यम के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो काम किए गए हैं, इसमें मनुष्य मशीन के द्वारा काम करके मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। क्या आप इससे सहमत हैं? या औद्योगिक समाज रोजगार के अवसर सामाजिक संबंध बदलते रहते हैं, इस कथन का के बारे में भी आपके क्या विचार हैं? औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मजदूरों के जीवन यापन के लिए शिक्षा और लोकतांत्रिक का महत्व। अब देखिए, तीन ऐसी चीजें हैं। अब इसमें देखिए कि मशीनें अगर बनाकर अगर मजदूरों को बेरोजगार कर दिया जाए, ये बात भी सही नहीं है पूर्ण रूप से। दूसरी बात यह कि औद्योगिक समाज रोजगार के और सामाजिक जो संबंध है बदलते रहते हैं, ये बात सही है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उद्योगों के अंदर रोजगार के अवसर, उनकी कार्य तकनीकी बदलती जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मजदूरों के जीवन यापन की शिक्षा और लोकतंत्र का जो महत्व, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये स्थिति जहां पर लोकतांत्रिक देश है, उन देशों में ये स्थिति बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कि श्रम और बाजार के निर्माण में सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका, यानी सार्वजनिक शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। अब देखिए, हमने देखा कि उद्योगीकरण में बड़ी मात्रा में उत्पादन और उससे लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत होती है। ऐसे में हम हर हाल के लिए एक ऐसे बाजार निर्मित करें जिसमें उद्योगीकरण की जरूरत है। लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में लोगों की रुचियां अलग अलग होती हैं, अपनी संस्कृतियां अलग अलग होती हैं और अधिक विभिन्नताएं होंगी। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग कारखाने में बनी एक जैसी चीज क्यों खरीदेंगे? यानी कहने का मतलब है कि रोजगार की जो स्थिति, हमने श्रम और बाजार के निर्माण में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि समय के अनुसार जो परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग अलग अलग तरीके से सामान खरीदेंगे। एक ही चीज बार बार क्यों खरीदेंगे, उसको क्यों ज्यादा समय तक खरीदेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सार्वजनिक शिक्षा, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग कारखाने बनी ऐसी चीजें क्यों खरीदें? जरूरत है एक बड़े बाजार के निर्माण की, जिसमें क्या होनी चाहिए, अभिरुचि, लोगों की रुचि, उसकी सोच और एकरूपता, इस पर आधारित होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब, बाजार का निवेश, बाजार का जो निर्माण होना चाहिए वो रुचि, सोच और एकरूपता के आधार पर होना चाहिए। और आधुनिक विद्यालय में इससे क्या मदद मिल सकती है? किस प्रकार की कि विद्यालय में सब बच्चों को एक समान कर संबोधित किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि सब एक ही किताबें पढ़ते हैं, किताब पढ़कर उनमें सोचने की, सीखने की और एकरूपता की जो शक्ति बढ़ती जाती है। तो इससे बच्चों की रुचि, उसकी जीवन शैली जो है, उस पे भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसको देखते हुए, यानी इसको देखें तो बड़े भूभाग में एक ऐसी एकरूपता लाने वाली संस्थाओं में विद्यालय की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और 19वीं और 20वीं सदी में जब आपने देखा कि टीवी का जो युग है, टेलीविजन के साधनों के माध्यम से जो विकास जो हुआ, उसकी जगह जो मीडिया, पत्र पत्रिकाएं जो थी, इनका क्या था, सीमित था। और जब विद्यालय शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों की रुचि, एकरूपता लाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षित लोग जो है बाजार व्यवस्था को, बाजार निर्माण को, बाजार के निवेश को अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे और अच्छे ढंग से उन वस्तुओं का उत्पादन जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार करने का वो प्रयास करेंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार जहाँ कम हुआ है, वहां बाजार जो व्यवस्था जो हमारी है वो पूर्णतया विकसित नहीं हो पाई है या बहुत ही सीमित हुई है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के, यानी पिछले दशकों में देखा कि विद्यालय की एक बहुत बड़े बाजार के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया हो। कि आप देखिए कि विद्यालय के, चाहे वो भवन निर्माण हो, पुस्तकें हो, कॉपी हो, अन्य सामग्री हो, यूनिफॉर्म हो, सह शिक्षण से संबंधित कोई भी सामग्री हो, कंप्यूटर, यानी इनके बिना विद्यालय के बारे में हम सोच नहीं सकते। तो इस प्रकार औद्योगीकरण, उत्पादन जिसे सुनियोजित तरीके से हम बेच सकते हैं।